अच्छा है, ठीक है, बहुत ही मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ आज मेरे को ऐसा लगता है ना। हाँ जी, और बाकी सब कहाँ है? बढ़िया। और कुछ? ऑल गुड, ठीक है, बढ़िया, दया है मैम। नहीं, किसी की कोई दया नहीं, आप अपने आप से कर रहे हो, जो कर रहे हो बेस्ट है, मस्त, बिल्कुल मजे में, बिल्कुल मजे में, पूरे जोश के साथ, है ना, बढ़िया। पता क्या होता है, देखो मैंने क्या, अभी कुछ टाइम से मैं क्या फॉलो कर रही हूँ कि ना तो आपको पास्ट के बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अपने, है ना, पास्ट जो था वो गया अब, है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते, और फ्यूचर के बारे में आपको भड़क नहीं लेनी, सोचना नहीं है ज्यादा, आप सिर्फ अपने आज का जो दिन है ना, आज का दिन उसको यूटिलाइज कर लो। आज का दिन आपको इस तरीके से आपका करना है कि आप अगर रात को सो रहे हो तो आपको ये लगे कि हाँ आज का दिन अच्छा गया मेरा, आज मैंने अच्छे से पूरे दिन का, दिन भर के जो 24 घंटे थे मैंने उनको अच्छे से यूटिलाइज किया, तो आने वाला फ्यूचर अपने आप ब्राइट होगा, है ना। और अगर मान लो आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हुआ है ना आज, तो उसको बुरा समझ के मूड मत खराब करो, ये समझ लेना कि अरे वाह ऐसा हुआ है आज, कितना इंटरेस्टिंग है ना। एक अगर रेगुलर एक नॉर्मल रूटीन हर दिन चलता रहेगा तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ, मजा नहीं आएगा। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में अपना मजा है, थोड़ी सी फिल्मी फिल्मी दुनिया वाली फीलिंग आती है कि, है ना, अरे आज ये हुआ, तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखा करो। चलो फिर हम ना टॉपिक शुरू करते हैं अपना। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने अपना चैप्टर शुरू किया था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप सभी जो हेल्प कर रहे हो मैम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम हेल्प करने के लिए तो है यहाँ पे, है ना, और कोई तो पर्पज है नहीं हमारा। और मेन पता क्या होता है कि आप अपनी लाइफ से जो सीखते हो ना, या आपकी लाइफ में जो कमियां हैं, या आपको जो लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ या कुछ भी, मतलब है ना, और आपको पता है, तो आपका खुद का मन करता है कि आप अपनी बातों को कुछ लोगों तक शेयर करें, ताकि जो आपने गलतियां की वो दूसरे ना करें, ठीक है। जो आपने जिस सिचुएशन से डील किया, अगर उनके सामने भी अगर वही सिचुएशन आती है तो वो आपके एक्सपीरियंस को यूज करके कुछ बेटर कर पाए, तो यही मोटिव होता है, तभी तो थोड़ा सा मजा आता है ना, कि अब मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, हर रोज कुछ ना कुछ जबरदस्त मजा आता है मेरे को। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही मजे मजे, मतलब बिल्कुल अच्छे से फुल एंजॉय करो, हर पूरे दिन को यूटिलाइज करो। एक बात ध्यान रखना, जब आप खाली होगे ना, पूरा दिन कुछ नहीं करोगे, तब आप ज्यादा परेशान रहोगे, और जब आप बिजी रहते हो अपना रेगुलर रूटीन का काम, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ हल्की हल्की चीजों में इंटरेस्ट देख लिया करो, हल्की हल्की चीजों में। जैसे मान लो अगर मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी जा जाते टाइम अगर मेरी चप्पल टूट जाती है ना, या कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जा रही थी चप्पल टूट गई, है ना, फिर मैं अब क्या करूं, किसी को कॉल कर रही हूँ आ जाओ मेरे को पिक कर लो, या मेरी वहां से चप्पल ले आओ, तो इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, दिन भर पूरा ऐसा रहता है कि हाँ 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 ये सब, तो हमें यही करना है। चलो फिर हमने कल चैप्टर शुरू किया था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप में से मेरे को कौन बताएगा कि हमने कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, जल्दी बताओ। टू टाइप में, हाँ जी पुष्पा जी, क्या पूछ रहे हो आप? टू टाइप होते हैं ना मैम, वर्बल और नॉन वर्बल। हाँ जी, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे होते हैं अलग मैम अलग देश पे। मैंने हाँ बिल्कुल, तो बताओ कोई भी फटाफट, या देख के बताओ, याद है याद करके बताओ, कोई प्रॉब्लम इंटर नहीं, लेकिन बोलना जरूरी इंटर है। इंट्रा और इंट्रा इंट्रा बिल्कुल पर्सनल, ठीक है। इंटर पर्सनल, और चैनल के जी बेस पे चैनल के बेस वर्बल पे, नॉन और वर्बल पर्पज और स्टाइल के, फॉर्मल के, फॉर्मल इनफॉर्मल जी, सिमिली एंड और मेटाफर, वर्टिकल लिटरल डायगनल, यही तो थे जी। हाँ यही थे। देखो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आप सब ये बोलो कि बस इतना ही तो था, ऐसी ग्रेप फीलिंग आने, वाइन भी होता है इतना ही तो आपने, था क्या। इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन भी होता है, ग्रेप वाइन में, इनफॉर्मल में।
इनफॉर्मल में क्या बोला आपने, ग्रेप वाइन? जी मैम। हाँ ये, और मेरे को एक बार थोड़ी सी चीज इसमें आपको क्लियर करनी है, हल्की सी कल कुछ गड़बड़ थी, मैं अभी क्लियर करती हूँ आप लोगों को। हाँ तो आप लोगों को हमेशा ऐसे ही लगना चाहिए, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो ना तो आपको यही फील आना चाहिए कि बस है इतना सही है, यही था इसके अंदर, हम इतनी भड़क ले रहे थे। ठीक है तो ऐसे ही रहा करो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बस मैडम इतना ही तो था और क्या होगा इसमें। ठीक है चलो फिर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे को बताना आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, और अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ लो, है ना, फिर टॉपिक शुरू करते हैं अपना। बेस ऑन रिलेशन, चैनल, पर्पस, स्टाइल, डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, किसी को कुछ बात बोलनी है ना, कुछ कुछ भी, सम एनीथिंग आप अभी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, आराम से करेंगे सब चीजें। पेपर कब से, पेपर क्या, पेपर कब से लेने, मतलब आप बोल रहे थे ना कि एक बार पेपर और दिखा के एक बार अपना एमसीक्यूज वगैरह देख के हम लोग थोड़ा हाँ स्टार्ट आपको, करेंगे। हाँ मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ही थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे भी थे, लेकिन उसमें क्या है ज्यादातर जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में से, मास मीडिया में से, बैरियर में से, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। जो ये चैप्टर पहले तीन चैप्टर गए है ना, ये सिर्फ आपको एक बेस बना रहे हैं आपका कि कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन, कितने टाइप इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है ना, इन्होंने सिर्फ बेस बनाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे टेक्निकल वर्ड हमने कल देखे थे ना, इमोटिव फंक्शन, कोनोटेशन, डिनोटेशन, मेटाफोर्स, यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिर्फ इन तीन चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन बहुत ही कम थे, तो मेरे को लगा कि मैं एक चैप्टर या दो चैप्टर और आपको करवा देती हूँ, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया या बैरियर हो गया, जिसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे अमाउंट में मिल पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो और कोई बात किसी की? भाई मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही। अगर मान लो मैं कुछ पूछ रही हूँ उसके बाद आप अगर बोलने हैं बोलो, अगर नहीं बोलने तो भी नो में आंसर दो, है ना, बोलना जरूरी है, कम्युनिकेट, हमारी चैप्टर का नाम ही ये है कम्युनिकेशन, तो हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, खूब बोलेंगे, बोला करो। मेरा टाइम, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी कि मेरे को कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ूं। अभी भी जैसे मैं लाइक अदर एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे को उसमें बहुत, मतलब मेरे माइंड में ना क्लैरिटी कुछ एक टॉपिक को लेके नहीं है, तो मेरे को ऐसा है कि कोई मेरे को मिल जाए, मेरे को बता दे कि तू यहाँ से कर ले, ये चीज ले ले, तो होता है। और आप लोग बिल्कुल ही, मतलब या तो आप बिल्कुल ही क्लियर हो, आपको सब चीजें पता है, आपको गाइडेंस डिटो है कि मेरे को ये टॉपिक यहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है, ऐसे करना है, या अदरवाइज आप थोड़ा एफर्ट नहीं डाल रहे अपने अंदर, है ना, या आप शर्मा रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि कोई नहीं आगे देखेंगे, आगे करेंगे, एक महीने बाद देखेंगे, दो महीने बाद देखेंगे, तो है कुछ ना कुछ। आप अपने अंदर अपने आप से सोचना कि अगर आपको अब यहाँ पे इतना अच्छा चांस मिला हुआ है और आप उस चांस का यूज नहीं कर रहे हो और आगे जाके दिक्कत आएगी। ठीक है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे को बताना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। जी हाँ जी दिखाई दे रहे हैं आप सभी को? जी मैम। जी देखो हमने कल ना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर शुरू किया था, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझा देती हूँ, पहले ग्रेप वाइन के बारे में समझा देती हूँ थोड़ा सा इसमें, मतलब हमने आधी चीज तो सही समझी थी, कुछ हल्की सी गड़बड़ थी, मैं वो आपको क्लियर करती हूँ। मैंने आज ये भी ध्यान दिया जब मैं आपके चैप्टर को प्रिपेयर कर रही थी ना, तब मेरे दिमाग में आया हो ये तो कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कहाँ गया वो लाइन, किसके अंदर आते हैं, इंटरपर्सनल में आता है ना ये, इंटरपर्सनल का 8th पॉइंट है। हाँ जी, जो आपने फोर्थ को थर्ड लिख के रखा, थर्ड को फोर्थ बना के रखा था उसी में आता है। हाँ हाँ मिल गया मेरे को। हाँ जी समझना एक बार यहाँ पे देखो, ग्रेप वाइन पता है क्या होता है, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, लेकिन
थोड़ा चेंज है इसके अंदर, देखो समझना। एक मिनट मैं पेन ऑन कर लेती हूँ। ग्रेप वाइन के अंदर क्या है कि जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ होना, डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रोशन होना, ठीक है, या किसी तरीके की फिल्टर फिल्टर करना, या लाइक जैसे मान लो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना, ये इंटरपर्सनल के अंदर है, आप दो लोगों के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, और जब दो लोगों के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका चल रहा है तो ये भी इंटरपर्सनल का ही है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वहां पे फॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है तो इसके अंदर चांस क्या होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कि यहाँ पे ना मैसेज का मतलब चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अब वही बात आप देखो, समझो मेरी बात, आपको एक ने ना कोई टॉपिक समझाया, बात बताई, या एक घटना का घटना आपको किसी एक पर्सन ने बताया, आपने वही घटना किसी दूसरे को बताई, उसने किसी तीसरे को, लेकिन जब मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाता है ना, तो कुछ ना कुछ या तो हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ हम भूल जाते हैं बताना, तो मैसेज के अंदर जो ओरिजिनल मैसेज था और जो फाइनल पर्सन के पास सेंड हुआ उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रेप वाइन का मतलब यही है कि जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है उसके अंदर किसी तरीके की गड़बड़ होना, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर, इट हैज अ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब यही है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी तरीके की गड़बड़ होना। समझ आई बात आपको? हाँ यस जी। मैम, यस मैम, इसके बाद ना हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं दोनों के बीच में, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। ये स्लाइड यहाँ आनी नहीं थी, गलती से लग गई। हाँ जी, दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? देखो, जी मैम, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंट्रा मतलब होता है विद इन, विद इन मतलब आपके अंदर, ठीक है। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, बिटवीन होता है दो चीजों के साथ, ठीक है। इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप से बात करता है, ठीक है, जो कम्युनिकेट करेगा अपने आप से करेगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा डिफरेंट पर्सन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है कि यहाँ पे आपकी बिलीव्स, जिस चीज पे आप विश्वास करते हो, आपकी वैल्यूज क्या है, ठीक है, आपका परसेप्शन क्या है किसी चीज को देखने का, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उम्मीद क्या है, ये भी तो आप अपने आप से ही करते हो ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, दो पर्सन के बीच में हो सकता है, जहां पे दो पर्सन की बात आई वहां पे कौन सा कम्युनिकेशन होता है, डायडिक कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन, या बहुत इससे भी ज्यादा नंबर नंबर ऑफ पर्सन पे हो सकता है पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोई थर्ड पॉइंट था ना ये रहा, हाँ, इट कैन टेक प्लेस एनी टाइम। जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है ये कभी भी कर सकते हो आप अपने आप से, यहाँ पे आपको किसी रिसीवर की जरूरत नहीं होती कि कोई आपकी बात को रिसीव करेगा, ठीक है, और आप मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो अपने आप से कभी भी, लेकिन यहाँ पे आपको किस चीज की जरूरत होती है, किसी रिसीवर की जरूरत होती है कि कोई ना कोई सुनने वाला होगा, फीडबैक और रिस्पॉन्स आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं मिलता आपको, ठीक है, ना ही कोई रिसीवर होता, और इसमें क्या होता है आपको फीडबैक और रिस्पॉन्स दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना, इसके मतलब ऐसे ऐसे ना क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पे इंटरपर्सनल है या इंट्रा पर्सनल है। आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, इंट्रा पर्सनल में। किसी सिचुएशन को एनालाइज, इंट्रा हाँ इंट्रा में, किसी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो वो किसके अंदर आएगा, इंट्रा में आएगा। आप दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग, इंट्रा पर्सनल में आएगा। डायरी या जर्नल जो आप लिखते हो वो भी किस में आएगा, इंट्रा में। प्रे करना, ठीक है, रिहर्स करना, ठीक है, किसी चीज को आप रिहर्स करते हो, कोई नाटक की तैयारी आप अपने आप कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर मैसेज आपने बोल दिया किसी को, मैसेज वंस कन्वेड कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता। बोलते हैं ना कि शब्दों के बाण, मतलब जो एक्चुअल बाण होते हैं ना, तीर,
उससे भी ज्यादा जख्म देते हैं, क्योंकि वो वापस ही नहीं लिए जाते। आपने अगर एक बार किसी को कोई बात बोल दी, तब कैसे उस बात को कैसे आप रिवर्स करोगे, कैसे उसकी उस मेमोरी को इरेज करोगे, है ना। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और क्या है यहाँ पे लास्ट पॉइंट में, इन टीचिंग इट हेल्प इन द कंटेम्पलेटिंग एंड एनालाइजिंग, इट हेल्प टीचर टू प्लान लेक्चर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। यहाँ पे देखो टीचर अपने आप को, टीचर ये कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं टीचिंग के अंदर, कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो खुद से, है ना। कई बार देखो आप जैसे मान लो आप रिवीजन, जब बच्चे थे ना, हम याद कैसे करते थे क्वेश्चन को, कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं अपने आप को वो क्वेश्चन बोल के सुना रही हूँ, कोई दूसरा पर्सन तो है नहीं वहां पे बोल बोल के याद करना, ठीक है। और आपको मान लो अगर वो क्वेश्चन याद आ जाता है, तो आप क्या समझते हो कि हाँ मेरे को वो क्वेश्चन याद होगा। अगर नहीं होता तो आपके आपको आपके माइंड में क्या समझ आता है कि आपको ये क्वेश्चन अभी याद नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आया, ठीक है। ये टीचर को भी हेल्प करते हैं अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने में, किसके अकॉर्डिंग, लर्नर्स के अकॉर्डिंग। इन टीचिंग इट हेल्प द प्रोवाइडिंग नॉलेज टू स्टूडेंट, ये नॉलेज स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करने में, उनके डाउट को क्लियर करने में, उनको मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये था आपका इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैम, ये आपने जो बताया अभी, ये इंट्रा पर्सनल के लिए नहीं, इंटर पर्सनल के लिए था ना, जो पीछे के पॉइंट है टीचर के लिए वगैरह? नहीं हाँ ये मैंने अभी यहाँ से पढ़ के बताया, आपका ध्यान कहाँ है, मेरा पेन ना नहीं ये जी। मैम, ये तो टीचर के इंट्रा पर्सनल तो खुद से होता है, उसमें टीचर का क्या कनेक्शन, ऐसा मुझे लगा इसलिए मुझे। आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, हाँ, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो, ये है वी डन प्लानिंग समथिंग, एनालाइजिंग सिचुएशन, डे ड्रीमिंग, डायरी, ये तो ठीक है। हाँ, इन टीचिंग इट हेल्प्स इन कंटेम्पलेटिंग एंड एनालाइजिंग, हाँ हाँ इट टीचिंग को, हेल्प्स टीचिंग। हाँ यहाँ पे देखो टीचर भी अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। स्टूडेंट भी अपने आप को एनालाइज कर सकता है कि मेरे को यहाँ पे टीचिंग, मतलब दोनों को इंक्लूड किया है यहाँ पे, टीचर और स्टूडेंट। हम अपने आप से भी तो बात करके समझ सकते हैं ना कि भाई मैंने क्या टॉपिक ठीक, अब देखो आपने मेरे को कल ग्रेपवाइन मैंने आपको टॉपिक करवाया, लेकिन उसमें कुछ हल्की सी गड़बड़ थी, मतलब डिटेल पूरी नहीं थी उसकी, तो मेरे को अपने आप ही पता चले कि हाँ ये तो, ये इंट्रा था ना मेरा अपने आप, मैंने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, मैंने अपने आप देखा। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि यहाँ पे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है। और इंटर तो आपको पता है कि इंटर तो हमारा हर जगह चलता ही है, कि ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, क्लियरिंग देयर डाउट एंड मोटिवेट देम, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमें अपना सेकंड टाइप शुरू करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका चैनल के बेस पे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे नॉन वर्बल के अंदर ना बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज होंगी, नॉन वर्बल के टाइप वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान देना, मैं आपको करवाऊंगी अभी। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वर्बल का मतलब क्या होता है, कि जिस कम्युनिकेशन के अंदर आप वर्ड्स का यूज करते हो, किसका यूज कर रहे हो आप, वर्ड का, ठीक है। वर्बल मीन्स यूज ऑफ द वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड डिजाइन फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, कि आप वर्ड का यूज करके किसी मैसेज को डिजाइन करते हो, ठीक है। इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, इसके अंदर आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हो बोल के, मतलब वर्बली वर्ड्स का यूज करके, बाय मेकिंग द यूज ऑफ वर्ड सच एज ओरल और रिटन। ये ओरल भी कर सकते हो आप, रिटन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला जाता है कि एक अच्छा, मतलब एक वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा हम कब बोलते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस, जैसे किसका एक्रोनियम क्या है, कीप इट शॉर्ट, शॉर्ट करना है आपको मैसेज और सिंपल होना चाहिए, ताकि भाई इतना सिंपल हो कि अगले बंदे को समझ आ जाए, और बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, शॉर्ट मतलब आसानी से आप अपनी बात को बड़े इजिली कम शब्दों में और बड़े आसान तरीके से समझा पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। हाँ जैसे, और अगर हम बात करें कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीजें मायने रखती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप सुनने, मतलब
किसी की बात को समझने के लिए सुनना भी तो पड़ता है ना, आपको सुनने की आर्ट भी होनी चाहिए, लिसनिंग। कई लोग क्या होते हैं कि सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं, है ना। तो ये अगर जब तक आप दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप अपनी बात भी उसको समझा नहीं पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बस ये इतना ही था इसमें, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू डिलीवर द राइट मैसेज, अगर आपको एक राइट मैसेज डिलीवर करना है तो हामर को बताना एम्फेटिक और सिंपैथी में क्या फर्क होता है। एम्पैथी हमको सिंपैथी दूसरों के लिए होती है, एम्पैथी हमको सारे यूनिवर्स के लिए, जैसे सब लोगों के लिए है, दैट इज एम्पैथी। हाँ जी, कोई और? एम्पैथेटिक मीन्स कि सामने वाले का नजर से भी देखने की कोशिश करना, उसकी जगह जाके। हाँ जी, कोई और? मैम सिंपैथी के लिए दूसरों के लिए जो दया के भाव होते हैं, लेकिन एम्पैथी का नहीं पता हूँ। कोई अच्छा आसान तरीके से समझा दो इसको, फटाफट एग्जाम्पल देके किसी भी तरीके से समझा। एक होता है आप, या फिर मैं बोलती हूँ। हाँ जी बोलो, फटाफट बोलो। मैम सिंपैथी मतलब किसी किसी को कष्ट में देखना, उसने कुछ दुख बताया तो उसमें सिंपैथी हो गई। एम्पैथी इन द सेंस अगर मुझे हर कुछ हर जगह पे वही चीज दिख रही है, इन द सेंस कि वो दुख में होगा या फिर किसी भी पशु वगैरह इन सब के लिए, तो एम्पैथी होगी। मैम मेरे ख्याल से सिंपैथी जो है वो सहानुभूति। जो हम करुणा रखते हैं दूसरों के लिए अपनी तरफ से, और एम्पैथी मतलब कि दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना, उनके थॉट्स को भी, इमोशंस को भी समझना। हाँ जी, देखो मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आप मतलब आप अपनी जगह ठीक हो सारे के सारे, बस थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पा रहे। मैं बताती हूँ एग्जैक्टली एम्पैथी का और सिंपैथी का फर्क क्या है दोनों में। देखो एम्पैथी का मतलब होता है हिंदी में अगर हम देखें, समानुभूति। समानुभूति नहीं, सहानुभूति। होती सहानुभूति। सहानुभूति नहीं, गलत। सहानुभूति तो सिंपैथी का मतलब होता है, ठीक एम्पैथी होता है जी, सहानुभूति तो। है। आप ठीक हो मैम। हाँ ठीक है, एम्पैथी समानुभूति। हाँ हाँ, एम्पैथी का मतलब होता है समान, समान, ठीक दूसरे की है। भावनाओं को समझना। हाँ यहाँ पे एम्पैथी का मतलब होता है समान, मैं देखो शॉर्टकट में लिख देती हूँ समान, और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहा सह, ठीक है। अब देखो समान का मतलब क्या है, एक बात बताओ। अगर मेरे को कोल्ड हुआ है, ठीक है, मेरे को ना कोल्ड का एक्सपीरियंस हो गया कि कोल्ड में क्या होता है, किस तरीके की फीलिंग होती है, कैसा दर्द होता है। और अगर किसी दूसरे बंदे को, मेरे फ्रेंड को भी कोल्ड हो जाए और वो परेशान है, तो मैं उसको क्या दिखाऊंगी कि मैंने उसके दर्द को एग्जैक्टली फील किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको वहां पे एम्पैथी दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उसकी चीज को फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। और सहानुभूति में क्या हुआ है, अगर खुद किसी को कैंसर है या कोई भी, मतलब कुछ भी लगा लो, कैंसर नहीं लगता यार, किसी को कुछ भी लगा लो, लाइक फीवर है, ठीक है, किसी को अगर फीवर हुआ है, और मेरे आज तक कभी फीवर नहीं हुआ, मेरे को ये तो पता है कि फीवर में सिचुएशन खराब हो जाती है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली वो फील नहीं किया, एग्जैक्टली मैंने उसके दर्द को महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उसको फिर भी वही करुणा दिखा रही हूँ। तो वहां पे आता है सहानुभूति, कि मैं उसको सहानुभूति दे रही हूँ, कोई नहीं भाई ठीक। अगर मान लो यही होता है किसी घर में अगर डेथ हो जाए, और मेरे को नहीं पता, हमारे घर में नहीं हुई उससे रिलेटेड कोई डेथ, तो मैं वो वैसा फील नहीं कर पाऊंगी जैसा वो फील कर रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी उसको क्या कहूंगी, सहानुभूति दूंगी, कोई नहीं भाई हो जाएगा ठीक, है ना। और इसमें होता है कि एम्पैथी में होता है कि एग्जैक्टली आप फील करते हो कि जैसा इस बंदे के साथ हुआ है, वैसा ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, तो एग्जैक्टली आप इसके दर्द को समझ पा रहे हो, क्या इसके ऊपर क्या बीत रही है। समझ आई आपको बात? यस जी मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे जो यहाँ पे बोल रहे ना कम्युनिकेशन के अंदर, हमें सिंपैथी ठीक है, हमें हम ना सोशल है, हमें पता है कि भाई दर्द मतलब इसको कितनी परेशानी हो रही होगी, लेकिन एक कम्युनिकेशन के अंदर अगर एम्पैथी आ जाती है, ठीक है, समानुभूति आ जाती है, तो बहुत जबरदस्त काम हो जाता है। आप एग्जैक्टली उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हो,
फील कर पाते हो, उसके दर्द को फील करना ना बस क्या ही बताऊं मैं आपको, कितना अच्छा, मतलब अच्छा नहीं मतलब कैसा एकदम से ऐसा होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना, मतलब बहुत बुरा फील, बहुत ही ज्यादा मतलब वियर्ड फीलिंग होती है, बहुत गंदी फीलिंग होती है। मेरे साथ पता है बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फैमिली में मेरे भाई मेरे पापा क्या काम करते हैं, जैसे दुकानदारी नहीं बोलते है, भी दुकाने है ना, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, तो हमारी शॉप है लाइक है ना, जिस किसी किराने की शॉप होती है, किसी की कपड़ों की दुकानें होती है, ऐसा ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है हमारा, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि अगर 2-3 दिन काम ना आए, ठीक है, अच्छे से काम ना चले, तो कितना घर में कितनी दिक्कत आती है। अब अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मार्केट में मेरे को कोई दुकानदार खाली मिल जाता है ना, कि जिसके पास कस्टमर नहीं है, मेरे को बड़ा गंदा फील होता है, मेरे को इतना बुरा लगता है उस बंदे के लिए कि भाई ये भी यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए बैठा है, इसको भी घर जाके पूछेंगे इसके घर वाले कि आज कितनी क्या कमाया, आप क्या लेके आए, कैसे घर खर्च चलेगा, तो वो फीलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। समझ आई आपको बात? जी मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप से होगा, ओरल होगा, रिटन होगा, ठीक है। फटाफट हम इनको देख लेते हैं। ओरल के अंदर क्या होता है कि आप वर्ड्स को बोल के यूज करते हो, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ने वाली, सिर्फ आपको मतलब बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें आप वर्ड्स को बोल के यूज करते हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, स्पीच फेस टू फेस हो सकता है, आप किसी को स्पीच मैंने भाषण देना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टेलीफोन पे जो आप बात कर रहे हो, वीडियो रेडियो टेलीविजन, वॉइस ओवर द इंटरनेट, वॉइस नोट, हम जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज देते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लोइंग फैक्टर, तो ये होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन अब ये ओरल कम्युनिकेशन ना कुछ फैक्टर से इफेक्ट होता है, वो फैक्टर क्या है वो हम देखते हैं। देखो फैक्टर में सबसे पहले आता है पिच और वॉल्यूम। पिच क्या होता है? पिच होता है डिग्री, भाई आपकी आवाज कितनी हाई है कितनी लो है। जैसे लड़कियों की बोलते हैं ना कि पैनी आवाज होती है ना, पैनी तिखी, और लड़कों की थोड़ी भारी आवाज होती है ना, तो उनकी हाई मतलब लो होती है टोन, लड़कियों की हाई होती है, या गुस्से में हमारी टोन चेंज होती है, गुस्से में हम एकदम से चिल्ला के बोलते हैं, या और कभी कोई शांत, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है गुस्सा रिएक्ट, गुस्सा दिखाने का, तो वो उस चीज को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाईनेस या लोनेस ऑफ टोन। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के दौरान आपकी पिच भी डिपेंड करते हैं कि आपकी पिच कैसी है, और पिच के अकॉर्डिंग भी आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन, ठीक है, मतलब भारीपन, जैसे और किस तरीके से बोल सकते हैं वॉल्यूम को, जैसे यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियर, ठीक है, कि भाई हाँ आप जैसे मान लो आपके कोई नजदीक ही है, सुनना मेरी बात, अगर कोई आपके साथ में ही बैठा है तो आप नॉर्मल टोन में ही बात करोगे, है ना, कि आराम से ही जैसे नॉर्मल उसको मेरी आवाज सुनाई दे। लेकिन कोई आपका दोस्त बहुत दूर जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको जोर से बुलाओगे कि रोहित, मतलब ऐसा कुछ भी नाम लोगे आप उसको, है ना, तो वहां पे वॉल्यूम डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आप कितने लोगों के सामने खड़े हो, एक कहाँ आपको तेज बोलना है, कहाँ पे आपको आवाज लो करनी है, ये मतलब आपके कम्युनिकेशन में डिपेंडेंट, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, पिच और वॉल्यूम। उसके बाद आती है रेट, स्पीड, जो मेरी कई बार ज्यादा हो जाती है, मैं स्पीडली बोल जाती हूँ कभी कभार, या मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मेरे को मतलब मैं अगर कोई वीडियो देख रही हूँ किसी भी टीचर की, तो मैं 1.75x पे या 2x पे देखती हूँ, ठीक है। तो स्पीड मतलब होता है कि आप अपने शब्दों को कितनी जल्दी जल्दी डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, या आप आराम, अब पता क्या होता है हर जगह ना, आपको आपका पढ़ाते टाइम तो ये स्पेशल ध्यान रखना होता है कि कहीं पे आपको आपकी स्पीड ज्यादा करनी पड़ती है, कहीं पे उसी टॉपिक को बड़े आराम से टिका टिका के आपको समझाना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन को डिपेंड करता है। अब ध्यान देना, अगर क्लास में एक टीचर सिर्फ एक ही टोन में पढ़ाता रहे, ठीक है, तो आप उसकी एक ही टोन को सुन के बोर हो जाओगे, आप उसका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे, आप या टीचर को ही बोल दोगे कि सर थोड़ा सा रुक जाओ या आराम से बोले, तेज कुछ तो करो ना वेरिएशन,
ताकि हमें भी मजा आए पढ़ने में, है ना, बोरियत ना हो, तो ये रेट होता है। नेक्स्ट आती है क्लैरिटी इन स्पीकिंग। देखो ये इसमें थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर प्रोनंसिएशन वर्ड्स की, है ना, एग्जैक्टली जो मतलब होता है आप अच्छे तरीके से इफेक्टिव, मेरे यहाँ पे बस थोड़ी प्रॉपर प्रोनंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज डिलीवरी ऑफ वर्ड, ठीक है, आप ये डिपेंड करता है कि आप अपना मैसेज, अपने मैसेज को कितने अच्छे तरीके से, कितने इफेक्टिवनेस के साथ दूसरे बंदे को शो कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके मैसेज में क्लैरिटी नहीं होगी, आपको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा होगा, आप शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अपने मैसेज को भी दूसरों को समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए आपको, क्लैरिटी हो आपकी आवाज के अंदर, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना ये पैरा लैंग्वेज को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत जरूरी है। ये आगे आएगा एक वर्ड पैरा लैंग्विस्टिक, तब आपको समझ आएगा। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, पैरा लैंग्वेज लैंग्वेज उस चीज को बोलते हैं जहाँ पे आप किससे डील कर रहे हो, पिच, वॉल्यूम, रेट, क्लैरिटी, ये नॉन वर्बल का पार्ट है पैरा लैंग्वेज ना। ये अभी आगे आप नॉन वर्बल के बारे में पढ़ोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वहां पे पैरा लैंग्वेज आता है। ये तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए बताया कि देखो हम बोलते हैं तो भी तो हमारी पिच होती है, लेकिन जब गिटार आप प्ले कर रहे हो या पियानो प्ले कर रहे हो या हारमोनियम चला रहे हो, तो वहां पे वर्ड्स नहीं होते, वहां पे सिर्फ साउंड होती है, और उस साउंड की पिच, वॉल्यूम कितना वो क्लियर है, वो अपने सारे शब्दों, अपने अंदर के मीनिंग को बता देते हैं बिना बोले ही, है ना। तो ये मत सोचना कि ये पैरा लैंग्वेज आपने वर्बल के अंदर लिखा हुआ है और आप अभी बोल रहे हो कि पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल का भी पार्ट है। नॉन वर्बल के पार्ट में हम सिर्फ पिच, वॉल्यूम, रेट और क्लैरिटी पे बात करेंगे, वहां पे वर्ड्स की बात नहीं होगी। और यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे वर्ड्स भी इंक्लूड है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? जी मैम। हाँ जी, आगे चलें अब। मैम ये पिच एंड वॉल्यूम, जी मैम, ये क्लैरिटी वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें पिच एंड वॉल्यूम को वापस से आपने रिपीट कर दिया, तो इसको बताएंगे क्या? एक्चुअली ना मेरे को आवाज कट कट के आ रही है। मैंने थर्ड पॉइंट में पिच और वॉल्यूम को क्या करना है, समझाना है या मतलब मैंने रिपीट ये ऊपर वैसे स्पेसिफिक पॉइंट का पिच वॉल्यूम, हां जी हम वो उसके पॉइंट्स इसमें किसके आ गए, ये थर्ड वाला द क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड हां अच्छा मैं समझ गई, आप ये बोल रहे हो कि पिच वॉल्यूम एक अलग आपने यहां पे दिया हुआ है और रेट भी अलग दिया हुआ है और ये यहां पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैं जी, हाँ ये मतलब है यहाँ पे, इसको अलग लगा लो कि पैरा लैंग्वेज, जब आप पैरा लैंग्वेज की बात करते हो ना, ये ऐसे ये इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर कि पैरा लैंग्वेज किसके साथ डील करती है, मैच के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे, देखो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि पैरा लिंग्विस्टिक किस चीज से, जैसे ना मैच वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि मैच करो कि पैरालिंग्विस्टिक किससे मैच करना है आपको, काइनेसिक किससे मैच करना है, हैप्टिक किसके साथ आएगा, ड्रेस एंड अपीयरेंस किसके साथ आएगी, फिनोमिक्स किसके साथ आएगा, तो ये वहां पे काम आएंगे आपको। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी इस पॉइंट को नोट कर लो, आगे आने वाला है ये। तो पैरालैंग्वेज किसके साथ डील करता है, ये नॉन वर्बल का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आप किस किस चीज की स्टडी करते हो, पिच की, वॉल्यूम की, रेट की, क्लैरिटी की, समझ आई बात? हाँ जी जी, ये तो मैम दोनों में दोनों का दोनों पे मैटर करेगा ना, वर्बल नॉन वर्बल दोनों में, लेकिन जब वर्ड्स के साथ हाई वॉल्यूम, पिच, रेट, तो आप वर्बल में काउंट करोगे, और लेकिन जब वर्ड्स कहीं भी, अगर इस लाइन में, लास्ट वाली लाइन में वर्ड्स कहीं भी यूज नहीं किए, वर्ड्स के साथ इनको रिलेट नहीं किया, सिर्फ यही बोला है कि पिच, वॉल्यूम, रेट, क्लैरिटी किसके कंपोनेंट है, वो पैरा लैंग्वेज के होंगे नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है मैम। हाँ जी, एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, देखो एक तो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है
जो अपने आप चलती है, ठीक है, जिसको हमें मतलब देखो इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते। एक बार जब बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है ना बोलने के लिए, तब वो एफर्ट डालते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे लिए कितना आसान हो जाता है बोलना, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार कंटिन्यूअस नेचुरल है ये, बिल्कुल हम इजी हो जाते हैं किसी की बात को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, या उनके लिए इजी हो जाता है, हमारे लिए भी इजी हो जाता है। यहाँ पे हम वर्ड्स लिसनर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि जिसको हमारे को ये बात बोलनी है वो कैसा है ना, उसको किस तरीके की लैंग्वेज समझ आती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने शब्दों को यूज करूंगी। ये देखो यहाँ पे देखो, जब आप किसी के साथ ओरली बिहेव ओरल बात करते हो तो उसमें आप अपने हाथ पैर की मूवमेंट भी करते हो, आंखों की मूवमेंट भी करते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, ठीक है, थीके? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यहाँ पे आपका साथ देता है। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ऐड होता है ना, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरे हाथ कंटिन्यू चलते रहते हैं समझाने के लिए, लाइक एक्सप्रेशन चलते हैं फेस के, तो यहाँ पे मतलब है कि ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ऐड होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि द पर्सन हु कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकल अवेलेबल। ओरल में क्या होता है कि वो फिजिकली, जैसे इंट्रापर्सनल में हम क्या करते हैं, गॉड के साथ बात करते हैं, है ना, भगवान हे भगवान आपने ऐसा कैसे कर दिया, हे भगवान ऐसा कैसे होगा, तो वहां पे भगवान प्रेजेंट थोड़ा ना हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। फिजिकली प्रेजेंट का मतलब ये नहीं एग्जैक्टली कि वो बिल्कुल आपके साथ में हो, जैसे हम इंटरनेट पे अगर मैं वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ किसी को तो वो फिजिकली तो है ना इंसान, ये मत समझना कि मेरे साथ में ही होना चाहिए, मेरे बराबर में ही होना चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? हाँ जी, यस मैम, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इससे ना ओरल कम्युनिकेशन से स्पीकर का और लिसनर का रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब वही बात है ना, आप किसी से अगर आप मेरे साथ अगर बात कर रहे हो, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, तो आपको और मेरा रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है अभी, है ना, हम एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। समझ आई बात? जी हाँ जी। ये मत सोचना मेरी ड्राइंग सच्ची में बहुत अच्छी है तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, कभी बोलो कि मैडम की ड्राइंग कितनी गंदी है। चलो भाई लिमिटेशन करते हैं अब इसकी क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो मेरे को यही लगती है कि जो आपने वर्ड्स बोले है ना, अब लाइक वो थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं इंसान, मैं तो भूल जाती हूँ कि अगले बंदे ने मेरे को क्या क्या बातें बोल रही थी, मेरे को याद ही नहीं रहती है ना। तो ये द वर्ड्स स्पोकन डिसअपीयर इनटू द थिन एयर, वर्ड्स आर टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम बाद बातें, जैसे एग्जैक्टली जो जो मैंने आपको बोला है तो शायद आपको भी ना याद रहे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा था, मैडम ने क्या क्या बातें बोली थी। वर्ड्स परमानेंट नहीं होते, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो जो लिखा हुआ है ना वो परमानेंट रहेगा आपके पास। हम भूल भी जाते हैं कई बार, है ना, कि हमने क्या सुना था, हम भूल जाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेट सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर्स। अब हमने जो बोला है ना ओरल कम्युनिकेशन में, और जो हमारे हाव भाव है, कई बार वो जो हमने हाथ को हिलाना है, किसी भी तरीके की जो हमने मूवमेंट की ना ओरल कम्युनिकेशन के दौरान, वो किसी दूसरे कल्चर में समझ नहीं पाते। आपने एक मूवी देखी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, अगर किसी ने देखा है तो मेरे को बताना। उसमें क्या होता है कि एक ओल्ड मैन होता है और वो उसको ना आंख मारने की आदत होती है, मतलब गंदे तरीके से नहीं, उसकी नेचुरल ऐसी होती है कि उसकी आंख ना ऐसे किसी को लगेगा बात करते हुए कि मेरी तरफ आंख मार रहा है, और लेकिन उसका वो नेचुरल है, वो आंख उसकी अपने आप लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो उसके अकॉर्डिंग तो वो नेचुरल है, अपने आप निकलता है, लेकिन किसी दूसरे को क्या लगेगा कि है ये मुझसे बात करते करते मेरे को आंख मार रहा है। समझ रहे हो? तो अलग अलग कल्चर के अंदर ना अलग अलग जेस्चर होते हैं, अलग अलग मतलब हम अलग अलग तरीके के जैसे कहीं शेक हैंड या हम नमस्ते करते हैं तो यहाँ पे वही इमोजी वाली बातें आ गई। समझ आ रही है आपको बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम जी। मैम जैसे कि आपने कहा कि रिटन जो है वो हमेशा रहता है, तो वर्बली भी तो मतलब हम उसको रिकॉर्डेड रखते हैं या उसका ऑडियो सुन सकते हैं, तो इसको मतलब क्या आज के बच्चे ये आए हमारे आज के बच्चे टेक्निकल बच्चे, अभी ये मत बोलना कि मैडम ये और बता दो, वॉइस नोट भी तो हमारे एज इट इज रह सकते हैं।
यस मैम, वही मेरा क्वेश्चन है. देखो ऐसे तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ना हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन सिंपल वे में मैम बोल रहे हैं, कॉमन. बच्चे हाँ जी, क्या? हाँ जैसे कोई बुरा बोल देता है तो बहुत टाइम तक याद रहता है वो, मतलब एंड ऑफ मतलब वो आपके जहन में बैठ जाता है, वो बहुत टाइम तक चलता है. अब आप ये मत बोलना कि किसी ने मेरे को बहुत कटाक्ष भरी बातें बोली हुई थी कई साल पहले, आज भी मेरे को उसके वो वर्ड्स याद है, और यहाँ पे लिखा है कि आप भूल जाते हो. अरे देखो, एक्सेप्शनल केस बहुत होते हैं, हम कुछ बातें ऐसी होती है तिखी कि हमें बंदे की याद रहती है, लेकिन मैक्सिमम मतलब जनरल वे में बोला गया यहाँ पे ये सब बातें, जनरल में. अब ऐसे तो वॉइस नोट भी हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, आज के टाइम में तो ओरल कम्युनिकेशन भी हमारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ओरल कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, नॉर्मल उसको लिया गया है. समझ आई बात? जी मैम. बिल्कुल सही है, ऐसे ही पूछा करो क्वेश्चन, मजा आता है मेरे को. मजा नहीं मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप माइंड यूज कर रहे हो ना, तभी तो दिमाग में आएंगे बातें अलग अलग. चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं. इतना समझ आ गया? जी चलो रिटर्न कम्युनिकेशन में बात करते हैं हम. रिटर्न में भाई लिख के देते हैं हम, है ना, रिटर्न. रिटर्न में हम साइन भी हो सकते हैं हमारे यहाँ पे. देखो रिटर्न, साइन, सिंबल्स, प्रिंट, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, हैंड रिटर्न भी हो सकते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ. ये मैम ठीक नॉन है, वर्बल होंगे सारे, नॉन वर्बल है या अलग से कोई है ये? वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकती है ना. ये तो सिर्फ अभी बता रखे कि आपको रिटर्न में, जैसे मान लो एक पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन वहां पे वो नॉन वर्बल. अरे नहीं, नॉन वर्बल के अंदर ना वर्ड्स नहीं आते. हाँ नहीं समझ आ वो, गया, हाँ मैं समझ आ गया मैम. वर्बल के हाँ दो जी, पार्ट्स हैं, ओरल और हाँ रिटन. हाँ नॉन वर्बल के अंदर तो सिर्फ आपके जैसे इमोजी हो गए, जेस्चर हो गए, आपके बैठने का तरीका हो गया, ये सब आते हैं जिसमें वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते. रिटर्न मतलब लिखा हुआ वर्ड नहीं होते सिर्फ. अगर मान लो एक आप पेम्पलेट देख रहे हो और पेम्पलेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल का नहीं है वो. हाँ जी, लेकिन अगर एक पेम्पलेट के ऊपर सिर्फ एक इमोजी बना हुआ है, ठीक है, या कोई एक पिक्चर बनी हुई है जिसपे वर्ड्स का यूज नहीं है, तो वो पार्ट किसका होगा? नॉन वर्बल का. समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ जी, हाँ जी. जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप देखो तभी बोलते हैं हैंडराइटिंग. हैंडराइटिंग भी आपकी, अगर आपकी हैंडराइटिंग कीड़े मकोड़े जैसी होगी तो एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा आपने क्या लिखा है. तो बच्चों की हैंडराइटिंग पे काम किया जाता है, राइटिंग स्किल्स पे, किस तरीके से आपने अपनी बात को लिखा है, कोमा लगाया है कि नहीं लगाया, जहाँ पे कोमा लगाना था वहां पे लगाया है कि नहीं लगाया, फुल स्टॉप या लाइक क्या बोलते हैं इस वाले को, ऐसे नहीं लगा देते हैं हम दोनों दो लेट दो सेंटेंस के बीच में. एक तो फुल स्टॉप होता है जहाँ पे लाइन जाती है, अपोस्ट्रोफी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इंटरवल. इन्वर्टेड. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये सब रिटर्न में डिपेंड करता है, यहाँ पे आप पढ़ लेना. हम एडवांटेज देखते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या है. देखो सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है इसी कि हम किसी मैसेज को बोलने से पहले तो हम ना शायद नहीं रिवाइज कर पाते, है ना, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं किसी दूसरे को सेंड करने से पहले, जिससे ना एरर का चांस बहुत कम हो जाता है. अभी जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे फीचर डाला हुआ है ना कि आप अगर आपने कोई मैसेज किया है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे के अंदर, है ना, ताकि अगर आपको लगता है कि ये मैसेज सही नहीं है, मेरे को उसको सेंड नहीं करना था, तो आप अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को वापस ले सकते हो. ठीक है, या आप एडिट कर सकते हो, या ट्रांसलेटर आता है आजकल तो ना, आप कुछ अगर टाइप कर रहे हो, अगर आपकी स्पेलिंग गड़बड़ है तो वहां पे वो अपने आप अंडरलाइन कर देगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चेक करो, या खुद करेक्ट कर देगा. ठीक है, तो मैसेज इसके अंदर क्या होता है कि मैसेज कैन बी एडिटेड रिवाइज मेनी टाइम बिफोर बीइंग सेंट, सो दैट द मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर, एरर के चांस कम हो जाते हैं. यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है हर एक मैसेज का, आप इसको सेव भी करके रख सकते हो. ठीक है, अब स्क्रीनशॉट मत लेने लग जाना किसी के,
बोलो हाँ वही, मैंने तेरी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, अब बोलिए तुम मेरे को आगे दिखाऊंगा, तूने मेरे को ये बातें बोली थी। तो मतलब रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। अ रिटन मैसेज अनेबल द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड इट, रिसीवर अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं। अभी देखो क्या होता है, अगर आपने आप किसी के साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो शायद आपने 5 मिनट पहले जो बात बोली थी वो बंदा भूल जाए, उसको दिमाग में लगाना पड़ेगा किसने 5 मिनट पहले मेरे को क्या बात बोली थी। लेकिन मैसेज में क्या होगा कि उसने अगर मान लो एक बार आपका मैसेज पढ़ लिया तो दोबारा फिर पढ़ सकता है वो समझने के लिए कि हाँ इसने अब क्या बोला था। कई बार तो हम अपने वर्ड्स को भी एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर पाते। अब मैं भी शायद यहाँ पे मैंने आपको जो पढ़ाया था अभी, तो जो भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज किए थे शायद मैं उनको रिपीट ही ना कर पाऊँ अब, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं मैंने एग्जैक्टली क्या क्या बोला था यहाँ पे। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, अप्रोप्रिएट फीडबैक दे सकते हो अगले बंदे को। समझ आई आपको बात? मैम इसके पहले वाला स्लाइड दिखाना। हाँ जी एक मिनट देखो। हाँ जी मैम जैसे कोई थोड़ा सा मैम रिटर्न कम्युनिकेशन बताइए प्लीज फिर से। हाँ हाँ जी बताते हो। मैम मैं कुछ पूछूं? हाँ बिल्कुल मैम जैसे मैंने कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो क्या करता है फोन में बार बार बोल के निकालता है चीज, वो मैसेज लिख के दे सकता है उसके लिए तो मैम फिर ये डिसएडवांटेज होगा मैम। आप दोबारा बोलना, मेरे को ना आवाज साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ जी बोलना। कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं? जी मैं अनपढ़ व्यक्ति के भी लिख नहीं सकता मोबाइल में बार बार वो बोल के घर से निकालता है वो या मैसेज देता है तो बोल के देता है क्योंकि हाँ हाँ वो हाँ लिखने की कला उसके पास नहीं है हाँ तो मैं रिटर्न में फिर ये तो उसके लिए मतलब वो नहीं होगा एडवांटेज नहीं होगा ना। हाँ वो उसके पास नहीं होगा क्योंकि उसने रिटन कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है ना, एक स्किल है ये भी, रिटन लिखना भी। देखो सबसे पहले आपको स्किल मैं सिखाती हूँ, स्किल आपकी 4 टाइप की होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सुनते हो, फिर आप क्या करते हो क्या बोलते हैं, बोलना, स्पीक स्पीक करते हो, फिर आप क्या करते हो, रीड करना सीखते हो, देन आप क्या सीखते हो, राइट करना। ये एक साथ होते हैं सारी चीजें, लेकिन ये एक स्किल है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। बोलना तो हमारा लैंग्वेज क्या होता है, हमारी बोन एबिलिटी होती है, इन बोन एबिलिटी होती है, तो उसके अंदर हम बोलना तो सीख लेते हैं बिना कहीं स्कूल जाए ऑफिशियली कहीं भी। लेकिन लिखना ये हमें सीखना पड़ता है, लिखना पढ़ना हमें एक तरीके से पहले कोई सिखाएगा तभी हम कर पाएंगे। और अगर जो अनपढ़ है जो कभी स्कूल नहीं गया या जिसको लिखना नहीं आता, तो उसके लिए ड्रॉबैक्स होंगी कि वो रिटन कम्युनिकेशन का जो भी बेनिफिट्स है ना, जो एडवांटेज है, वो उनको फुलफिल उनका फायदा नहीं उठा पाएगा। यस थैंक हाँ यू जी हाँ जी। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, आपके रिटन साइन सिंबल्स बोथ इन प्रिंटेड एंड हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड, पिक्चर ग्राफ ठीक है कैन यूज टू, इसके अंदर आपको रिटन टेक्स्ट कुछ ना कुछ है ना, रिटन कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। रिटन स्किल्स स्टाइल नॉलेज ऑफ ग्रामर इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैसेज। अब आपको अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी, आपको यही नहीं पता कि मेरे को वही फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है ठीक है, इन्वर्टेड कोमास कहाँ मेरे को लगाने हैं, तो आपका जो मतलब होगा ना सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है हाँ जी समझ आया आपको? जी। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी, देखो जो रिटन कम्युनिकेशन है ना उसके अंदर जो फीडबैक है तुरंत नहीं आपको मिल पाती, ठीक है एग्जैक्टली तभी नहीं मिल पाएगी, स्पॉन्टेनियस लगातार नहीं होती, टाइम लगता है रिटन कम्युनिकेशन में। जैसे बोलने में तो मैंने आपको कोई बात बोली और आपने मेरे को तुरंत रिप्लाई कर दिया, ये रिटन कम्युनिकेशन की थोड़ी फीडबैक हो जाती है कि उसमें आपको बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं होती चीजें, बिल्कुल आपने बोल इतनी जल्दी जल्दी आप लिख नहीं पाते, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ये इसकी एक लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि हाँ टाइम लगना। थर्ड क्या है कि यूजली कम्युनिकेशन इज मिक्स बोथ द ओरल एंड रिटन फॉर्मेट। जो कम्युनिकेशन होता है मैक्सिमम आपका ओरल और रिटन फॉर्मेट में क्या होता है, मिक्स होते हैं। जैसे हम अभी भी कर रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, तो हमारा रिटन में भी है यहाँ पे और ओरल भी है। समझ रहे हो मेरी बात?
हाँ जी, टाइम क्या हुआ है मेरे को बताना? 3:19 मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आए अभी तक, मेरे को लगा कि अभी टाइम नहीं हुआ वरना वो आ जाते थे अभी तक, आज ऐसे कैसे अभी तक नहीं आए कोई। हाँ जी, फिर इसको ना कल ही करते हैं नॉन वर्बल को। जी कल ही करते हैं। मैम एक बार वो जो इंटर इंट्रापर्सनल वाला था वो दिखाएंगे? हाँ डिफरेंस। हाँ जी मैम। हाँ जी अभी दिखाते हूँ। मैम कल होगी क्लास सैटरडे? हाँ जी होगी अपनी कल क्लास। टाइमिंग बता दो जिस टाइम पे आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगे ना, मैं वही टाइम कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम मैम, यही सेम टाइम ठीक है। ओके ठीक है मैम, हो गया। हाँ जी, किसी और को कोई और दिक्कत प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत थोड़ा सा अजीब लगता है? ये नोट सभी सेंड करेंगे आप बाद में? मैं कर दूंगी, अभी शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब एक बार ये पीडीएफ तो ना कंप्लीट उसकी आपकी, सिर्फ इसमें एक चैप्टर नहीं है आपका, वो एक चैप्टर मेरे को अभी करना है। ठीक है, तो क्रॉप करवा के जितना मैंने आपको करवाया मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ जी, हमारे यहाँ तो ठंड है आज, आपको पता है, मैं तो ऑलरेडी अपना बैग गर्म करके ना लेके बैठे। चलो फिर, हाँ बताओ, बोलो फटाफट, क्या क्या बोल रहे हैं, जो मन में है सब बोल डालो आज। मैम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू आरजे, ये आपका नाम भी बड़ा अच्छा है आरजे, है ना? मेरे को आरजे बहुत पसंद है, सुनना मेरे को अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे भी मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म हो जाता तो चल जाता इसी तरह से। रंजीता जहा नाम है मेरा वैसे। रंजीना, और कोई किसी को कोई और बात बोलनी हो, है ना, कोई भी टॉपिक कुछ भी ना समझ आए आप शेयर कर सकते हो, आपके पास पूरा एक, मैं तो आपके पास हूँ, किसी और का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं आपके पास बिल्कुल यहाँ पे ना एट प्रेजेंट। और कितनी क्लास है मैम? और कितनी क्लास, क्या आप ये पूछ रहे हो कि मैडम कम्युनिकेशन कितनी क्लास में कंप्लीट करोगे आप? कम्युनिकेशन के और कितने क्लास रहे हैं? ये 8, आपके चैप्टर 8 है। मेरे को ये लगा था कि भाई एक दो चैप्टर एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा और नियरली 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, मतलब मैं 12 दिन मैक्सिमम लगा के चल रही थी कि 12 दिन में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे अपना ये मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करने लग जाती हूँ, तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 दिन का चैप्टर था लेकिन आज 2 दिन तो हो गए हमारे, कल का दिन और जी जी जी, तो ऐसे करते करते 13-14 दिन में तो हो जाएगा। हाँ जी, आप स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। जी जी, और आप जो सेंड करेंगी नोट्स वही काफी रहेंगे ना, और बुक्स नहीं ना पढ़नी कोई? वो इनफ है आपके लिए, बस आप सिर्फ इतना करना कि जिन पॉइंट्स की डिटेल नहीं है ना, जैसे मान लो जो फंक्शन थे कम्युनिकेशन के, इमोटिव फंक्शन, फैटिक फंक्शन, ठीक है, जैसे अभी जिनके सिर्फ मैंने पॉइंट पॉइंट लिख रखे हैं उनका थोड़ा सा अपने अपनी लैंग्वेज में मतलब लिख लेना जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ताकि वो पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं याद रहे उसका मतलब भी याद रहे, एग्जाम्पल लिख लेना उनसे रिलेटेड कोई भी, ठीक है, तो इस से आपको वो याद करना है। बाकी इनफ है, अदरवाइज आप केवीएस मदान की बुक पढ़ते रहो, और मैं बोलती हूँ कि इसमें ना आपको कंसेप्ट काम नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आएंगे, मैं आपको कुछ